रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास गुर्जर है, विकास विदुड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुँची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुँचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। और मुकदमे का नंबर है, मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है। और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 CC या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या 4 सीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया, एक लड़की जो कुंवारी है, ये थाना गाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा के, सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पे 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा, मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती यह है, ये विदुड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो 4 सीटेड है जिसपे मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है, जोंटवाड़ा में दर्ज है, और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई, उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृहमंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँ। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है, उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और SI पेपर रद्द करें।